नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पे स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एसके चौधरी और आज मैं इस वीडियो में रॉबर्ट टीकियोस्की की बुक रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी देने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो से फायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी की करते हैं काम की बात। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसके दो पापा थे, आप कुछ गलत मत समझ लेना। जो उसके पहले पापा थे वो उसके खुद के पापा थे और जो दूसरे पापा थे वो उसके दोस्त के पापा थे। रॉबर्ट अपने दूसरे पापा को मुंह बोला पिता कहता था। जो उसके खुद के पापा थे उन्होंने PhD की थी और जो दूसरे पापा थे उन्होंने 8th क्लास भी पास नहीं किया था। दोनों ही स्मार्ट और हार्ड वर्किंग थे बट दोनों की सोच बहुत ही अलग थी। रॉबर्ट के दोनों पापा उसे अलग अलग बातें सिखाया करते थे। जो उसके खुद के पापा थे वो कहते थे पैसा सारी फसाद की जड़ है और जो उसके मुंह बोले पापा थे वो कहते थे पैसे का न होना सारी फसाद की जड़ है। जो उसके असली पापा थे वो हमेशा उन्हें महंगी चीजों के बारे में सोचने से मना करते थे और कहते थे कि वो हमारी हैसियत के बाहर है। वही दूसरी ओर उसके मुंह बोले पापा कहते थे अलग अलग चीजों को सोचो और ये सोचो कि उस चीज को हम कैसे ले सकते हैं, इससे दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी और नई आइडिया भी मिलेंगे। जो उसके पहले पापा थे वो उनसे कहते थे कि तुम खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ो ताकि तुम्हें भविष्य में एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल सके और तुम बहुत बड़े इंसान बन सको। वही दूसरे पापा कहते थे तुम खूब पढ़ो, मेहनत करो और खुद की कंपनी स्टार्ट करो ताकि तुम औरों को नौकरी दे सको। रॉबर्ट अपने दोनों पापा से 9 साल की उम्र से ही सब कुछ सीखने लगा, उनको ऑब्जर्व करने लगा। उसने अपने दोनों पापा की अलग अलग सोच से उनको आगे बढ़ते और उनकी तरक्की देखी और फिर उसने अपना दिमाग लगाया और उसने अपने मुंह बोले पापा की बात मानी और उसको फॉलो की। और बाद में उसके मुंह बोले पापा मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर आदमी बना और उसकी सिखाई बातों से खुद रॉबर्ट ने करोड़ों कमाए जबकि उसके असली पापा पूरी जिंदगी भर गरीब रह गए। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपने अमीर पापा से सीखी थी वे थे फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस जानना। जब आप गौर से देखेंगे तो ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाई गई से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने उसका काफी इजी वर्ड में मतलब बताया है जो कि कुछ ऐसा है। एसेट्स, एसेट हर वो चीज है जो हमें पैसा बना के दे या फिर आपकी पॉकेट में पैसा डाले। वहीं दूसरी ओर लायबिलिटीज, लायबिलिटीज हर वो चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकाले या आपके पैसे को खत्म या कम कर दे। रिच लोग इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वे अपने एसेट्स बनाते हैं जबकि मिडिल क्लास लोग बस लायबिलिटीज पे खर्च करते हैं। आइए एक एग्जांपल से देखते हैं। एलेक्स और जॉन नाम के दो दोस्त थे, दोनों एक ही पोजीशन और सैलरी पे काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती जॉन हमेशा नए गैजेट्स, नए कपड़े, फोन, बाइक या कार में पैसे स्पेंड कर देता था। ऐसी चीजें खरीदता था जो उसे रिच जैसी फील कराती थी पर वो ये नहीं समझता था कि ये सब लायबिलिटीज है जो उसके पैसे ले रही है, न सिर्फ तब जब वो उन्हें खरीदता है बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए भी उसे पैसे देने होंगे जिसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएगी और न ही वो उसे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देगी। बट एलेक्स ऐसा नहीं करता था, वो सारी चीजें नहीं खरीदता था जब तक कि वो उसके लिए वो बहुत जरूरी ना हो जाए। वो पैसे जमा करता था और एसेट्स पर खर्च करता था जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड, रियल एस्टेट, अपने खुद के स्किल को बढ़ाने के लिए, कुछ सीखने के लिए जो उसे आगे और पैसा बना के दे। 5 साल बाद एलेक्स करोड़पति बन गया जबकि जॉन वैसा का वैसा ही अपनी कम सैलरी को कोसता रह गया और ये कहता था कि कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का रीजन है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो उस पैसे को जरूरी खर्चों में खत्म कर देते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे को जरूरी खर्चों और लायबिलिटीज में खर्च कर देता है। इसलिए एक मिडिल क्लास और गरीब में ज्यादा फर्क नहीं है और मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है कि उनका घर इनका एसेट्स है पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसे बना के नहीं देता जब तक कि आप उसे रेंट पे ना दें।
वहीं दूसरी ओर रिच लोगों का कैश फ्लो ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसे से एसेट्स बनाते हैं और फिर उससे बने पैसे से वो खर्च करते हैं, इसलिए वो और ज्यादा अमीर होते जाते हैं क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको भी रिच बनना है तो ये बात अच्छे से याद रखिए कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हैं, बल्कि आप उन पैसे को कैसे और कहां खर्च कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं उनकी खराब कंडीशन की वजह उनकी कम सैलरी है, और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ज्यादा पैसा ज्यादा अच्छी चीजों को खरीदने के लिए मजबूर करता है, जैसे कि एक लेटेस्ट फोन, कार, घर, और ये सब फिर से एक लायबिलिटीज है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगा। तो दोस्तों, अमीर बनना है तो आज से पैसे जोड़ने शुरू कर दो और एसेट्स पे इन्वेस्ट करो, अपने लायबिलिटीज को कम करो, तभी आप पैसे बचा पाएंगे। दोस्तों, ये थी रिच डैड एंड पुअर डैड की समरी। मेरे दोस्त, आपको ये समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।